दावेदारी देकर जो आज देश बना चुके हैं कि जैसा कि कहीं ना कहीं हमारे बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचार होता रहता है, उस अन्याय अत्याचार का विरोध करने के लिए एक टीम का गठन करना है। जैसे कि समय सभासद से मैं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभारी मंगल सिंह को चाहता हूँ कि देश में, हमारे भारत देश में बहुजन समाज पर कहीं ना कहीं कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अन्याय अत्याचार होता है तो मैं हमेशा तत्पर 24 घंटे तैयार रहता हूँ। इसलिए तैयार रहता हूँ कहीं ना कहीं 1 से 1000 होते हैं और 1000 तो बहुत बड़ी बात है। अगर 10 लोग हमारे समाज के लिए सुरक्षा की दृष्टि से तैयार हो जाएं और ये मैसेज अगर हमारे यहाँ दिल्ली में रह रहे अन्य देशों में रह रहे लोगों के ध्यान में दिमाग में पहुँचता है कि कहीं ना कहीं एक सम्यक समाज संघ और सम्यक समाज संघ का नेतृत्व ऐसे 10 लोग कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनके समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार का विरोध करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि विरोध करने वाला व्यक्ति एक नहीं 100 बार सोचेगा कि हमें इन व्यक्ति पर विरोध करना है कि नहीं करना है। जैसा कि आज की परिस्थिति ये बनी हुई है कि कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने युवा वर्ग से, अपने भाइयों से कि अगर आज हमने इस समय इस विपरीत परिस्थिति में अपना बलिदान नहीं दिया, सेक्रीफाइस नहीं किया, समय नहीं दिया, मोह प्रेम को नहीं त्यागा, तो ये निश्चित ही तय है कि हमारा, आपका और हम सबका भविष्य खतरे में है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है कि मुझे पूरे देश की रक्षा करना है, मैं ये पूर्ण होश और आवाज में कह रहा हूँ, ना कि जोश में कह रहा हूँ कि जब तक मेरे शरीर में खूंखार खड़ा है मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि अगर मैं अपने समाज के लिए मर जाता हूँ या उनके लिए संघर्ष करते करते मर जाता हूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। हम आप कुछ नहीं त्याग सकते, ना कुछ खो सकते हैं। जिस दर्द को बाबा साहब ने महसूस किया उस दर्द को हमें एक बार महसूस करना है। हम लोग आए दिन किताबें पढ़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया, एक बार हम भी तो थोड़ा कुछ त्यागने की कोशिश करें। तो बस उसी त्यागने की राह पर मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मकर सिंह बौद्ध है और उसके साथ उसके छोटे बड़े भाई हैं सहयोग करने वाले, तो मेरे किसी भी भाई पर अगर कहीं भी किसी भी समय कोई भी विपत्ति आती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आपको एक बार मुझे बुलाने की जरूरत है और जब तक आपके साथ न्याय नहीं हो जाएगा मैं वह मेरे साथ भी उसी कंडीशन में उसी स्थिति में चाहे जो स्थिति हो हम वहां तक जब तक ये रहेंगे जब तक हमारे भाई के साथ एक संतोषजनक निर्णय नहीं होता। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। सभी